और देखिए चुनाव जीतने के लिए नेता क्या क्या नहीं करते हैं, जनता जनार्दन है, जनता के बीच जाते हैं, मानो उनके पैरों पे ही पड़ जाते हैं, अपने नाक तक रगड़ लेते हैं। लेकिन वही नेता जब चुनाव जीत जाते हैं तो जनता को पैरों में रौंदने से भी उन्हें डर नहीं लगता, वो परहेज नहीं करते, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इस रिपोर्ट में देखिए। मथुरा में 15 से 22 जुलाई तक मुड़िया मेले का आयोजन होना है। शनिवार को इसको लेकर बैठक गोवर्धन में आयोजित हुई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे थे। इसी बीच एक पीड़ित अपनी समस्या लेकर सांसद से मिलने पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ देखिए। बैठक जिस हॉल में हुई उसके बाहर एक बुजुर्ग बिलख बिलख कर रो रहे हैं। वो अपनी जमीन की समस्या लेकर सांसद से मिलने पहुंचा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन मीटिंग के चलते उसकी मुलाकात सांसद हेमा मालिनी से नहीं हो सकी। रो रहे बुजुर्ग को मौके पर मौजूद आला अधिकारियों ने समझा बुझा कर बिना मिले ही वापस भेज दिया। गरीब आदमी सब सांसद कोई ना मिलंदर। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचते ही शिकायतों की लड़ी लेकर उनसे मिलने पहुंचे लोगों के हंगामे की एक और तस्वीर देखिए। बवाल और हंगामा मचा हुआ है, महिलाएं आक्रोश में हैं। बीच में खड़ी महिला अधिकारी सभी को समझा रही है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। महिलाओं को समझाने में पुलिस के अधिकारी भी जुट जाते हैं। कुछ महिलाएं भी अपनी समस्या लेकर पहुंची थी, उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया। इसके बाद महिलाओं ने मीटिंग रूम के बाहर हंगामा किया और जैसे ही सांसद हेमा मालिनी बैठक से निकली उनके पैरों में गिर गई। हेमा मालिनी के पैरों में गिरी महिलाएं अपनी पीड़ा सुनाने लगी। इससे प्रशासन की कारगुजारी की पोल खुल गई। महिलाओं ने डीएम एसडीएम का घेराव कर जमकर खड़ी खोटी सुनाई।